जून 2020 ऐसी तारीख जब चाइना के एप्लीकेशंस भारत में बैन हुए थे। 29 जून 2020 एक ऐसी तारीख जिसमें हमारी भारत सरकार ने ये कर दिखाया था कि चाइना को एक चांटा मार के दिखाया था। 29 जून 2020। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रचित पवार और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। 29 जून 2020 एक ऐसी तारीख है कोरोना काल में जिसके लिए मतलब हम इंडियंस को हैट्स ऑफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो भारत सरकार है उसने शायद हमारी ये बात सुन ली और उसने चाइना के कुछ एप्लीकेशंस को हटा दिया जो हमारी यूथ को बिगाड़ रहे थे और जो हमारी प्राइवेसी को ले रहे थे, हमारी प्राइवेसी जिससे खतरे में थी। ऐसे एप्लीकेशंस तो मोर देन 30 परमिशंस आपसे मांगते थे पर आपको उनको चलाना था इसलिए आप उनको परमिशंस दे देते थे। मैं बताता हूँ, टिकटॉक एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है, शेयर इट, कवाए, यूसी ब्राउजर, बायडू मैप, शेन, क्लैश ऑफ किंग्स, डी यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम परफेक्ट या यू कैम मेकअप, एम आई कम्युनिटी, सी यू सी एम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर, रॉम वी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यू सी न्यूज़, क्यू क्यू मेल, वेबो, जेंडर, क्यू क्यू म्यूजिक, बीगो लाइव, क्यू क्यू न्यूज़ फीड, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एम आई वीडियो कॉल, वी सिंक्रोनस, ई एस फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मी टू, वीगो वीडियो, न्यूज वीडियो स्टेटस, ड्यूब रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैशे क्लीनर, डी यू क्लीनर, डी यू ब्राउजर, हैगो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू क्यू प्लेयर, वी मस्ट, स्वीट सेल्फी, बायडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू सिक्योरिटी, क्यू क्यू लॉन्चर, वी वीडियो, यू वीडियो, वी फ्लाई, मोबाइल लेजेंड्स और डी यू प्राइवेसी। ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो भाई चाइना के हैं और संपूर्ण चाइना के हैं, ठीक है, या तो चाइना के हैं या तो ये किसी और कंट्री के थे पर चाइना ने कम्प्लीटली इस कंपनी को ही खरीद लिया है। और ये जो एप्लीकेशंस थे ये आपके फ़ोन में प्राइवेसी को ब्लॉक कर रहे थे, आपकी प्राइवेसी प्राइवेट नहीं थी। जब आप कहीं जाते भी थे वे एप्लीकेशंस उन लोकेशंस को भी ट्रेस करता था। अगर आपने गूगल में सर्च किया है कि व्हाट इज़ माय नेम या व्हाट इज़ द टाइम नाउ, तो ये उस प्राइवेसी को भी हैक करता था। आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो उन प्राइवेसी को भी हैक करता था, या आपके फेस के पिक्सल्स, आपकी आईज, आपके रेटिना, आपके हेयर्स, आपके एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ों को हैक करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये एप्लीकेशन सिक्योर ही नहीं थी। फेमस एप्लीकेशन है टिकटॉक, शेयर इट, यू सी ब्राउजर, लाइकी, ये सब फेमस एप्लीकेशन है, क्लब फैक्ट्री जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। तो इन एप्लीकेशंस को में बहुत सारी प्राइवेसी के लिए प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइवेसी प्राइवेसी थी ही नहीं। हम लोग अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा को फ़ोन नहीं देते, नहीं, क्योंकि क्योंकि वो हमारा फ़ोन है, हमारी प्राइवेसी है, हमारा प्राइवेट फ़ोन है, वो हमारी प्राइवेट चीज़ें उसमें। पर ये एप्लीकेशंस आपसे पूछ के आपकी प्राइवेसी ले जा रहे थे और आपको पता ही नहीं था। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए और ये सारे एप्लीकेशन बैन हुए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब कुछ लोगों का सवाल मेरे पे ये आ रहा था कि भाई इतने एप्लीकेशन बैन हो गए, पबजी क्यों नहीं बैन हुआ है? रचित, तू तो बोलता था यार कि पबजी क्या बोलते हैं कि बहुत चाइनीज़ गेम है, चाइनीज़ गेम है। मैं बताता हूँ, जो भारत सरकार ने जो गेम अभी या जो एप्लीकेशन अभी बैन किए हैं वो एप्लीकेशन वो वाले एप्लीकेशन है जो कम्प्लीटली जो संपूर्ण चाइना के हैं, जिनसे अभी प्राइवेसी का जो खतरा था वो बहुत ज़्यादा था। पर एप्लीकेशन से ये चाइना के एप्लीकेशंस थे, पर जो पबजी है वो मैं बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिस्ट्री ऑफ पबजी में आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, जो पबजी है वो साउथ कोरिया का एप्लीकेशन है। मोबाइल वर्जन जो पबजी का है वो चाइना ने बनाया है और मोर देन 14% जो शेयर्स है वो पबजी के चाइना ने खरीद लिए हैं। तो अभी जो लोग खेल रहे हैं ना पबजी, उनकी भी प्राइवेसी खतरे में है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना चाहे, क्योंकि मोर देन 14% अगर शेयर चाइना के पबजी के चाइना पे है, तो भाई चाइना चाहे तो आपके एप्लीकेशंस के थ्रू, ये जो अभी ये एप्लीकेशंस, जिन लोगों पे ये एप्लीकेशंस है, अगर आप वो चला रहे हो या पबजी चला रहे हो या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन चला रहे हो जो चाइना से रिलेट करता है, तो चाइना के पास उसका, चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास उसका काफ़ी अच्छा शेयर है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि भारत से बदला लेने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के थ्रू ब्लॉकिंग करवा दें।
एप्लीकेशंस के थ्रू डाटा को हैक कर दे कम्प्लीटली, आपके फ़ोन को हैक कर दे और आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल कम्प्लीटली हैक कर दे, तो ये भी कर सकती है चाइनीज़ गवर्नमेंट। और चाइनीज़ गवर्नमेंट साइबर अटैक्स करा सकती है जो आपके एप्लीकेशंस के थ्रू होंगे। अगर साइबर अटैक वैसे नहीं हो रहा तो आपके एप्लीकेशंस के थ्रू, जो आप चाइना के एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उनके थ्रू साइबर अटैक होंगे, तो आप इन एप्लीकेशंस को हटाओ। अगर आप टिकटॉक अभी यूज़ करते हो और टिकटॉक अभी अगर आपके फ़ोन से बैन नहीं हुआ है, क्योंकि यूज़र अकाउंट जो ओल्ड है वो बैन नहीं हुए हैं, जो नए वर्जन्स जो अपडेटेड वर्जन्स आएंगे वो बैन हो चुके हैं, तो आप उसको हटाओ, क्योंकि उससे आपकी भी प्राइवेसी खतरे में है, भारत की प्राइवेसी खतरे में है। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो ना चाइना के, उनके थ्रू वो साइबर अटैक्स करवा, और साइबर अटैक से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्रीज ने झेल लिया। तो धन्यवाद गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।